हेलो एवरीवन, इट्स मी अंजलि फ्रॉम अंजलिस फूड एंड ट्रैवल वर्ल्ड। सो गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही ख़ास जगह दिखाना चाहती हूँ, जो कि एक बहुत ही ब्यूटीफुल लोकेशन है और ये एक ऑफ बीट लोकेशन है और इसका लुक एकदम एक पैलेस जैसा है। ये जगह बहुत ज़्यादा ख़ास है क्योंकि एक तो ये ऑफ बीट है, इसका सीनिक ब्यूटी ऐसा है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। मुझे नहीं पता आप लोग ये जगह को देख के आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि नहीं, ये कौन सा जगह है, क्या है। तो अब टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं आपको इस जगह के बारे में कुछ डिटेल्स बताना चाहती हूँ। ये जगह चैल है, चैल हिमाचल प्रदेश में सोलन जो सिटी है वहाँ से 45 किलोमीटर्स के ड्राइव करने के बाद ये जगह आता है। तो ये स्वर्ग की जैसा एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और प्यारा जगह है। यहाँ आने के बाद आपको इतनी ज़्यादा मन की शांति मिलेगी, आपको लगेगा कि आप किसी दूसरे दुनिया में आ चुके हो, जहाँ पे बहुत ज़्यादा शांति है, बहुत ज़्यादा प्यारा सा एनवायरनमेंट है, जहाँ आपको सुकून का एहसास होता है। ये जगह हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च किया था एंड तब हमें पता चला। तो जो ये डिस्टेंस जगह है वो शिमला के पास है। द डिस्टेंस बिटवीन शिमला टू चैल बाई रोड इज़ 46 किलोमीटर। द एरियल डिस्टेंस फ्रॉम शिमला टू चैल इज़ 15 किलोमीटर। तो भी आप समझ चुके होंगे ये जगह ऑफ बीट इसीलिए है क्योंकि बहुत सारे लोग अभी तक इसको एक्सप्लोर नहीं किया, टूरिस्ट यहाँ पर नहीं गए हैं क्योंकि उन्हें शायद इस जगह के बारे में पता ही नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे वीडियो के थ्रू आप इस जगह को अच्छे से फील करो, समझो, जानो इसके बारे में। और ज़रूर अगली बार जब शिमला आओ या वहाँ का ट्रिप बनाओ तो कुफरी तो हम ज़रूर जाते हैं, शिमला में कसौली भी जाते हैं, तो ये सारी जगह तो हम जाते ही हैं, लेकिन उसके अलावा कुछ ऐसा जगह एक्सप्लोर करें जो आपके अंतर मन को पूरी तरह से खुश कर दे और आपको ऐसा एहसास हो कि आप यहाँ पे घंटों बिता सकते हो। यहाँ का एनवायरनमेंट इतना पीसफुल है और यहाँ पे आपको सारे भगवान की मूर्ति मिलेंगी। इस जगह को चैल काली टिब्बा का मंदिर के नाम से भी बहुत फेमस है या फिर आप इसे चैल पैलेस के नाम से भी जानते हो। तो ये जो जगह है, मैं आपको पूरी तरह से 360 डिग्री व्यू दे रही हूँ इस जगह के बारे में। यहाँ पे आप जो गाड़ियाँ देख पा रहे हैं नीचे की तरफ, वो गाड़ी पार्क रहता है वहाँ पे। और क्योंकि यहाँ पे काफ़ी कम लोग आते हैं तो अभी तक इस जगह का शांति सुकून सब मेंटेन्ड है, काफ़ी ज़्यादा क्लीन है ये जगह। तो धीरे 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 आप इस जगह का व्यू देखिए, जब यहाँ पे हवा बहती है ना तो मतलब आपको ऐसा लगता है कि आपका मन एकदम शांत हो गया है, जैसे हमारा हो गया था। मैं और शोमिल यहाँ पे गए तो थे आधा एक घंटा के लिए फिर, बट हम लोग वहाँ पे 2-2.5 घंटा हमने बिता लिया क्योंकि हमें वहाँ से जाने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था। बाकी मंदिरों से ये काफ़ी ज़्यादा खास है, आप इसकी नीटनेस को एक बार देखिए, आपको फील होगा। और ये देखिए, अब मैं धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ कर आपको दिखाऊँगी काली माँ का ये जो मंदिर है। अब देखिएगा कितनी प्यारी और सुंदर मूर्ति है काली माँ की, ये देखिए। और सामने शनि भगवान की मूर्ति है और एक मिरर इफेक्ट आपको दिख रहा होगा, शनि भगवान को आपको देख के लग रहा होगा कि दो मूर्तियाँ, लेकिन एक ही है, वहाँ पे मिरर लगा हुआ था। तो और ये देखिए काली माँ का मंदिर, ये मतलब काफ़ी यहाँ का फेमस और अच्छे मंदिर में इसकी गिनती होती है। यहाँ के जो चैल सिटी में जो लोग रहते हैं, चैल टाउन भी आप कह सकते हो, वहाँ के लोग यहाँ हमेशा विज़िट करते हैं। और चैल एक काफ़ी खूबसूरत जगह है रहने के लिए। बहुत लोग क्या होते हैं ना, जिनको ऑफ बीट लोकेशंस पसंद है, जैसे मेरे जैसे और शोमिल के जैसे लोग, हम लोगों को ऑफ बीट और क्राउड से थोड़ा दूर ही जगह पसंद आता है हमेशा। तो इस जगह, ऐसी तरह की जगह हम बार बार एक्सप्लोर करते हैं। और अगर आप 2 दिन रहना चाहो चैल में तो भी आप रह सकते हो, शिमला में 1 दिन रह लिए और 2 दिन चैल में रह सकते हो आप। तो आपको मैं कुछ होटल डिटेल्स इस वीडियो के पार्ट 2 में आपको मैं ज़रूर शेयर करके बताऊंगी, कुछ अच्छे अच्छे होटल्स आपको दिखा दूंगी जहाँ पे आप रह सकते हो विद प्राइस, तो आपको एक क्लियर आइडिया मिल जाएगा। और इस मंदिर का और भी ज़्यादा अच्छा डिस्क्रिप्शन उस वीडियो में और ज़्यादा क्लियर होगा। ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया है, जो दूसरा वीडियो होगा ये देखिए शिव जी की मूर्ति कितनी सुंदर लग रही है। और यहाँ पे सिर्फ शिव जी की मूर्ति नहीं है, और भी भगवान की मूर्ति है,
और उनका भी मंदिर है, तो वो वीडियो मैं आपको इस वीडियो के सेकेंड पार्ट में दिखाऊंगी और उसमें मैं आपको कुछ होटल्स के नाम भी बता दूंगी जहाँ पे आप रह सकते हो। अच्छी लगी हो तो बहुत जल्दी मिलते हैं इस वीडियो के सेकेंड पार्ट में। नहीं रहते हो स्टे ट्यून्ड एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।